है वो एक नए चैप्टर से स्टार्ट होने जा रहा है और ये चैप्टर नंबर 4 है और बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। और ये जो चैप्टर है इसके अंदर बिल्कुल नई चीज़ें आप स्टडी करने जा रहे हैं, आपने पहले इसको प्रीवियस क्लासेस में स्टडी नहीं किया है। स्टूडेंट देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है फिर आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 और नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। अब यहीं पर अगर हम रुक कर ये देख लें कि टू डायमेंशन मोशन का क्या मतलब है, तो स्टूडेंट्स टू डायमेंशन और वन डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। स्टूडेंट डायमेंशन के फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको टू मीनिंग्स बताए थे अगर आपको याद हो। एक तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन वाली की थी, एक फिजिकल मीनिंग थी जिसको हमने फिजिक्स में पढ़ा, जैसे क्वांटिटीज के डायमेंशन कैलकुलेट। अगर आपको याद हो तो एक मैंने आपको मैथमेटिकल मीनिंग भी बताई थी जो मैथ्स में इसकी मीनिंग होती है। और मैथ्स में जो मीनिंग होती है स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है, दरअसल ये मीनिंग देता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। हर एक्सिस हमारा क्या कहलाता है, एक डायमेंशन कहलाता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अगर आपको ये अब स्टूडेंट टू डायमेंशन का क्या मतलब होगा, मतलब ये होगा कि हमारी जो बॉडी होगी कि वो मूव करेगी साइमल्टेनियसली दो एक्सिस पर। दो एक्सिस कौन सी, या तो एक्स वाई या तो वाई जेड या तो जेड एक्स। स्टूडेंट डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं और डेफिनेशन जो है द मोशन ऑफ बॉडीज इन टू डायमेंशंस, बिल्कुल वही बात है जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि मोशन ऑफ बॉडीज वो दो डायमेंशंस पर। मतलब अगर आप एक्स और वाई ले लें तो बॉडी, ठीक है, एक्स का मतलब आगे हॉरिजॉन्टल भी चलेगी शॉर्ट में समझ लें आप, हॉरिजॉन्टल भी चलेगी और वर्टिकल भी मूव करेगी एक साथ। मतलब बॉडी आगे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, ठीक। इससे पहले वाले चैप्टर में स्टूडेंट्स आपने जो स्टडी किया उसके अंदर बॉडी या तो हॉरिजॉन्टल मूव करती थी, जैसे कार की एग्जांपल्स आती थी, मोटरसाइकिल बस, और किसी बॉल की एग्जांपल आती थी तो वो वर्टिकल मूव करती थी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो आप जो चैप्टर 3 में पढ़कर आया ये वाली मोशन या ये वाली मोशन क्या कहलाती है, ये वन डायमेंशनल मोशन कहलाती है किसी एक डायरेक्शन में। या तो बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही होगी या वर्टिकल मूव कर रही होगी। लेकिन अब हमारा जो केस है उसके अंदर बॉडी दोनों डायरेक्शन में एक साथ मूव करेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल भी मूव करेगी वर्टिकल भी। आसान जबान में स्टूडेंट ऐसे समझ लें कि ये आगे की तरफ भी जाएगी ऊपर की तरफ भी जाएगी। और जबकि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जो स्टडी किया उसमें या तो बॉडी कहाँ जाती थी आगे या कहाँ जाती थी ऊपर, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब डेफिनेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स पर आ जाते हैं। जैसे दो एग्जांपल है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक सर्कुलर मोशन। और स्टूडेंट ये दोनों ही हम जब टॉपिक पढ़ लेंगे हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों टू डायमेंशनल मोशन की एग्जाम्पल और डिटेल में हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी विल डिस्कस टू केसेस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। दो केस पढ़ेंगे जो अभी अभी बताए मैंने आपको, एक का नाम प्रोजेक्टाइल मोशन और एक का नाम सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी है वैसे तो आगे हम इसको पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में। जैसा आप एक एग्जांपल अभी याद रखें, ये एक्स और वाई एक्सिस है, रियल लाइफ में आपको नजर नहीं आता जब आप खड़े हो, फर्ज करें आप खड़े हो। जैसे मैं इसको रब करके आपको समझाता हूँ, सपोज कीजिए कि कोई
जमीन के ऊपर खड़ा है, लड़का है। जमीन पर खड़ा है और ये बॉल है और ये बॉल को किक करता है। तो स्टूडेंट जब ये बॉल को किक करेगा तो बॉल कैसे मूव करेगा, ऐसे जाके गिरेगी, ठीक। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि बॉल आगे गई ऊपर गई, एक जवाब दीजिए, तो इम्पॉसिबल है कि आप एक आंसर करें। क्यों? क्योंकि बॉल आगे भी मूव कर रही है, इसको हम हॉरिजॉन्टल मोशन बोलते हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल मोशन। तो गौर कीजिए स्टूडेंट, ये जो बॉल की मोशन है ये किसी एक डायमेंशन में नहीं है, मतलब एक्स या सिर्फ वाई के डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि आगे की तरफ भी जा रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब बॉल इस वक्त कौन सी मोशन कर रही है, प्रोजेक्टाइल, और ये बॉल आप कह सकते हैं इस वक्त ये प्रोजेक्टाइल है, और इसकी जो मोशन है वो कौन सी मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। और यही दरअसल प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है, क्योंकि बॉडी या बॉल दोनों डायरेक्शन में एक साथ मूव कर रही है, इसको आप टू डायमेंशनल मोशन बोलते हो। अब आ जाए स्टूडेंट सर्कुलर मोशन भी टू डायमेंशन है, जो नेक्स्ट हाफ होगा हमारे चैप्टर का। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास सर्किल है, ठीक, इसके अगर मैं चार हिस्से कर दूं, में इसको क्या कर देता हूं, मैं डिवाइड कर देता, ठीक। तो गौर कीजिए 90-90 में डिवाइड हुआ तो टोटल एंगल कितना हुआ, 360। हर पोर्शन का एंगल 90 डिग्री। बॉडी कहीं यहां पर खड़ी हुई है, सपोज कीजिए स्टूडेंट बॉडी कहीं यहां पर है, यहां है बॉडी, यहां बॉडी, और अब बॉडी करती है काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में, ऐसे नहीं स्टूडेंट। और कीजिए जैसे ही बॉडी यहाँ से इस पॉइंट पर आती है तो बॉडी ऊपर भी जा रही है और लेफ्ट पर भी जा रही है, मतलब बॉडी मूव कर रही है ऐसे अपवर्ड और लेफ्ट। अगर आप बोल रहे तो अपवर्ड होगा वाई एक्सिस, लेफ्ट पर होगा एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, और ये वाला एक्सिस कौन सा है, माइनस वाई एक्सिस है। तो अप और लेफ्ट मतलब दोनों डायरेक्शन होते हैं। जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक आती है नेक्स्ट हाफ पर, नेक्स्ट क्वार्टर पर, तो फिर दोबारा ये लेफ्ट और डाउन आती है। अब स्टूडेंट लेफ्ट जो है वो एक्स एक्सिस है, डाउन कौन सा है, वाई एक्सिस, तो दोनों एक्सिस पे साथ मूव करेगी। इसी तरह बॉडी जब आती है, ये सपोज कर ले पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, ये सी। अब सी से अगर बॉडी आती है डी पर, तो फिर दोबारा देखें स्टूडेंट डाउन नीचे आ रही है और राइट की तरफ जा रही है, डाउन पर वाई एक्सिस है, राइट पर कौन सा एक्सिस है, एक्स। अब दोनों एक्सिस पर साथ मूव कर रही है तो टू डायमेंशनल मोशन है। फिर दोबारा डी से अगर ए पर आए, ठीक है, लास्ट जो इसका क्वार्टर साइकिल है, अगर ये यहाँ मूव करेगी तो फिर दोबारा ये राइट, लेकिन अब हो रही है अप। तो स्टूडेंट ये पूरी सर्कुलर मोशन में आपकी जो बॉडी होगी जो सर्किल पे मूव करेगी वो कभी अप लेफ्ट डाउन लेफ्ट, ठीक है, जैसे यहाँ ए टू बी अप लेफ्ट, बी टू सी लेफ्ट डाउन डाउन लेफ्ट, और सी टू डी डाउन राइट, डी टू ए, ठीक है, राइट और अप डायरेक्शन में मूव करते हुए अपना पूरा साइकिल कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ समझाने वाली बात क्या, कि किसी एक डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही बल्कि एक से ज्यादा डायरेक्शन। अब पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे स्टूडेंट कौन सा, वो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम हमारा सर्कुलर मोशन होगा, तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट आगे बढ़ते और प्रोजेक्टाइल मोशन देखते, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि किसी बॉडी को आप किक करें, किक करेंगे जैसे बॉल को किक करें आप, तो किक करने पर वो जो मोशन करती है वो कौन सी होती है, प्रोजेक्टाइल।
अब डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, बोला बॉडी दैट परचेजेस कॉन्स्टेंट, बॉडी दैट परचेजेस कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, आगे बता दिया जाएगा स्टूडेंट क्या है, एंड एट द सेम टाइम मूव्स फ्रीली इन वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब इन शॉर्ट ये बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी भी एक्ट करेगी, और इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ द बॉडी, एंड द बॉडी नॉन इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड पैराबोलिक कर्व। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे टर्म आपको आगे आएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ पर डेफिनेशन को स्किप करके आगे की तरफ पढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दी फुटबॉल वाली, उसी को आप जहन में रखते हुए स्टूडेंट्स बाकी एग्जाम्पल्स को भी नोट कीजिएगा। अ मिसाइल शूट फ्रॉम अ कैनन, जैसे आपने तोप देखी होगी, तोप से एक मिसाइल या उसका मिसाइल बॉम्ब बोल लें आप या शेल बोल लें, वो फायर किया जाता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम अ बॉम्बर प्लेन, एक बॉम्बर प्लेन से जो बॉम्ब रिलीज किया गया। जंपिंग ऑफ एनिमल्स, अगर आपने एनिमल्स की जंपिंग देखी होगी, जैसे बोट हो गई, शीप हो गई, ठीक है, इसी तरह टिड्डा वगैरह हो गया जिसको लोकस्ट कहा जाता है, उसकी जंपिंग भी कुछ इसी स्टाइल में थी, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ फुटबॉल। स्टूडेंट जैसे फुटबॉल की मोशन अगर गौर करें तो अभी जैसे मैंने बनाकर भी दिखाया था, एक फुटबॉलर जब किक करता है फुटबॉल को, तो आप गौर कीजिए फुटबॉल जब ऊपर की तरफ करती है तो उसके बाद कोई ना कोई वेलोसिटी है जो फुटबॉलर दे रहा है। ठीक है, इन टर्म्स को हम देखेंगे, ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट यहाँ पर वी नॉट से जाहिर की जाती है, मतलब जिसको आप अब तक वी आई बोलते आए प्रोजेक्टाइल में, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वी नॉट। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वी नॉट, याद रखिएगा। और जैसे किक करता है तो ये कोई ना कोई क्या बनाती है, एंगल बनाती है, ठीक है, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, और ऊपर भी जा रही है अगर गौर करें स्टूडेंट, मतलब ये बॉल अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है और आगे भी जा रही है, तो टू डायमेंशन मोशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। एक और एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट, कैनन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, जैसे ये कैनन है टॉप पे, और अगर ये फायर करती है मिसाइल तो गौर कीजिए, या शेल फायर करती है तो गौर कीजिए कि ये आगे तरफ भी आ रही है, मतलब इसकी मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, डाउनवर्ड दोनों तरह की इसकी मोशन, तो आगे और नीचे, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर मूव कर रही है, तो कैनन का जो पाथ है या बॉल है वो प्रोजेक्टाइल है, और इसकी मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉम्बर प्लेन की एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, अब अगर आप गौर कीजिए, बॉम्बर प्लेन जब बॉम्ब फायर करता है, शूट करता है, तो ये आगे की तरफ भी जाता है और नीचे की तरफ भी आता है, तो ये दोनों डायमेंशन पे एक साथ मूव कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसकी मोशन भी क्या है, टू डायमेंशन, और ये प्रोजेक्ट डायमेंशन। अब अगर आगे हम जो प्रोजेक्टाइल पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम कुछ अजम्पशंस करेंगे, कुछ मफरूजात लेंगे, कुछ चीज़ें हम सपोज कर लेंगे। जब हम सपोज करेंगे तो वो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो रियल से कन्वर्ट होकर स्टूडेंट किसमें हो जाएगा, चला जाएगा आइडिया, मतलब ये चीज़ें रियल में होंगी लेकिन हम इनको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, हम इनको ठीक है नेगलेक्ट कर देंगे, ताकि हमारी प्रोजेक्टाइल की जो स्टडी है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब स्टूडेंट देखते हैं अजम्पशंस क्या है, द वैल्यू ऑफ जी रिमेंस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, मतलब कि जी की वैल्यू जो 9.8 है, आपने मैट्रिक क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि
जी की वैल्यू जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है, अल्टीट्यूड पर जाती है, तो अल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट से ये वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस वैल्यू को सपोज करें, हम क्योंकि हमारा प्रोजेक्टाइल भी ऊपर जाएगा, तो हम इसको सपोज कर रहे हैं कि क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। पहला जम्पशन हमारा है। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, मतलब हवा अगर मोशन को रोकेगी या बढ़ाएगी तो उस हवा की फोर्स को भी हम क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर। हाँ, यहाँ पर एक बात आप जहन नशीन करें स्टूडेंट, जब हवा ब्लो करेगी तो वो करेगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस पर, ठीक है, अप एंड डाउन मूव नहीं करेगी, मतलब ब्लो नहीं करेगी एयर। तो एयर की जो डायरेक्शन होगी ब्लो करने की, वो ये होगी, वो ये वाली नहीं होगी। मतलब ये कहने का कि अगर हवा लगती है तो वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहा है और हवा भी ऐसे ही जा रही, एयर भी ऐसे ही, तो प्रोजेक्टाइल को फिर हो सकता है आगे की तरफ बढ़ा देगा। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहा है और एयर उसके बैक चल रही है, तो फिर ये प्रोजेक्टाइल की मोशन को क्या करेगा, रोकेगा, ठीक। हमने अगर एयर को नज़रअंदाज किया है तो मतलब ना प्रोजेक्टाइल हवा की वजह से थोड़ा सा आगे जाएगा ना पीछे गिरेगा, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई भी असर महसूस नहीं। थर्ड स्टूडेंट्स, द रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब एयर रोटेशन भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। हाँ, जमीन का घूमना प्रोजेक्टाइल पर असर अंदाज नहीं होगा। तो स्टूडेंट, ये तीन अजम्पशन हमें जहन में रखने, और ये वाला आगे ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा, इससे कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक छोटी सी वीडियो है ये देख लीजिए, मतलब चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर को डिस्टिंग्विश भी कर रही है और लिंक भी कर रही है। स्टूडेंट, इस वीडियो में भी आपने देखा कि हम पहले जो पढ़ रहे थे वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंबाइंड मोशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें प्रोजेक्ट
स्टाइल को खासतौर पर फोकस किया गया है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइलेशन। अब अगर हम एक कंसीडर करें एक बॉडी, इसका मास कितना है स्टूडेंट एम, प्रोजेक्ट मतलब फेंका गया इसको एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी वी नॉट। स्टूडेंट पहले कहा था वी आई आर जो इनिशियल होती थी, यहाँ पर वी नॉट इनिशियल। जैसे मिसाइल की बात करें, कैनन के शेल की बात करें, फुटबॉल की बात करें, तो जिस वेलोसिटी से इनको फेंका गया है वो ठीक है वी नॉट। फिर बोले सिर्फ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इट कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है, इसको इसके कंपोनेंट में हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा जानते हैं स्टूडेंट, हमने चैप्टर 2 पर डिटेल में पढ़ा। तो ए एक्स जो होता है वो हमने पढ़ा था ए कॉस थीटा के बराबर। अब यहाँ ए की जगह बी नॉट है, तो ए की जगह बी नॉट, फिर इस ए की जगह बी नॉट कॉस थीटा है। इसी तरह जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इन्होंने एक लफ्ज भी इस्तेमाल करा, सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा। अब स्टूडेंट ये बात कैसे समझ में आएगी कि अभी भी मैंने कहा कि जो हमने अजम्पशंस लिए थे उसके अंदर जो वेलोसिटी थी, अगर आप गौर करें जो सॉरी जो आपके अजम्पशन थे उसके अंदर एक अजम्पशन मैंने टिक भी करा था कि एयर फ्रिक्शन हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर दोनों मोशन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को थोड़ी सी देर के लिए अलग अलग आप जज करें, तो स्टूडेंट हवा चलती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब अगर दोनों वेलोसिटी को अलग अलग देखें या ये कहें कि प्रोजेक्टाइल आगे और ऊपर कैसे जाता है, तो स्टूडेंट जब हम किसी भी चीज को फेंकते हैं इस तरह से, तो गौर कीजिए इस तरह से प्रोजेक्ट करने पर हमने जो इसको वेलोसिटी दी वो क्या थी, पी नॉट। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, ए ए वी नॉट एक्स, ए ए वी नॉट वाई। अब स्टूडेंट ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये ही इसको आगे ऊपर लेकर जाते हैं और ये जब तक रहेंगे जब तक वेलोसिटी होगी। अगर वी नॉट नहीं होगा तो उसके कंपोनेंट भी नहीं होंगे। अगर आपसे कोई पूछे प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है, तो इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, ये आगे लेके जाता है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि अपर डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, तो इसका भी बड़ा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। जब तक ये दोनों कंपोनेंट रहेंगे तो आपका प्रोजेक्टाइल ऊपर और आगे मतलब इस तरह मूव करेगा। तो स्टूडेंट अब क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हवा एक्ट नहीं कर रही, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो बहुत सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, अगर इस डायरेक्शन में हवा नहीं है, अगर हवा होती तो इस पर क्या अप्लाई करती है, फोर्स, जो एयर फ्रिक्शन का हमने, और हमें पता है फोर्स अप्लाई करती तो इसकी वेलोसिटी को क्या कर देती, हॉरिजॉन्टल को चेंज, क्योंकि फोर्स जब लगती है तो या तो वो स्पीड को बढ़ाती है या कम करती है। जैसी वेलोसिटी चेंज होती है स्टूडेंट, तो इस डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सीलरेशन। अभी यहाँ बोल रहे हैं वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट, मतलब फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रही। जब फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो एक्सीलरेशन भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि एफ होता है एम। अगर स्टूडेंट यहाँ से एफ खत्म हो गया तो फिर आपके पास ए कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए आ जाएगा जीरो के बराबर। तो वही बात कर रहे हैं, अगर एक्सीलरेशन जीरो हुआ तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन अगर आप गौर करें वर्टिकल डायरेक्शन को देखें, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगी और वो मुसलसल करेगी, वो कौन सी होगी, ग्रेविटी। बॉडी प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ आए, ठीक है, ऊपर या नीचे जाने से ठीक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक्ट करेगी। तो इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो फोर्स की वजह से माइनस जी एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा। तो ये वाला कंपोनेंट स्टूडेंट कौन सा,
कांस्टेंट नहीं रहेगा. द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वी नॉट इज, फॉर्मूला तो बहुत सीधा, वी नॉट वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा. सुन आगे बढ़ते हैं. और वेलोसिटी कंपोनेंट्स देखते हैं. जैसे कि इस डायग्राम में देखिए आप, ठीक है, पूरी डायग्राम में वेलोसिटी के कंपोनेंट दिखाए. जब आपने ये ब्लू वी नॉट से इसको प्रोजेक्ट किया तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये वी नॉट वाई और एक होगा ये वी नॉट एक्स. ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये बॉडी ऊपर जाती है तो स्टूडेंट थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद आप खुद सोचकर बताइए कि इसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी इनिशियल थी. मतलब ऐसे फुटबॉलर था, उसने बॉल को किक किया, तो क्या अब भी जिस वेलोसिटी से किक किया ऊपर जाते हुए इतनी ही होगी जितनी जिस टाइम उसने किक किया था उस वक्त जब थी? तो आंसर होगा नहीं, ये चेंज हो जाएगी. अब स्टूडेंट बढ़ेगी कम होगी उस बहस में भी नहीं जा रहे, ये चेंज होगी. सपोज कीजिए वी होगी, तो इसके जो कंपोनेंट यहाँ पर होंगे ये होगा वी एक्स और ये होगा वी वाई. अब ये वी वेलोसिटी क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपके पास वी आए है ये वी नॉट है इनिशियल, ठीक. और यहाँ जो वी शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है. इसके कंपोनेंट वी एक्स. अब स्टार्ट में से वी नॉट होगा, आप कहीं पर देखें, यहाँ देखें इसको, आप इसको यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, हर जगह पर इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो वेलोसिटी वी होगी और उसके दो कंपोनेंट. अब स्टूडेंट ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको भी मैं समझाता हूँ. ठीक, पहले ये दोनों समझ लें आप, ये वाला और ये वाला. अब स्टूडेंट गौर करें, यहाँ पर वेलोसिटी वी है, इसके दो कंपोनेंट एक वी एक्स और एक वी वाई. लेकिन गौर कीजिए, जब ये मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पहुँचती है, इससे पहले इसका रेड वाला कंपोनेंट राइट पर होता है और इसके बाद भी रेड वाला मुसलसल राइट पर है जो वी एक्स कॉम्पोनेंट को शो कर रहा है. लेकिन अगर आप गौर करें, वाई कॉम्पोनेंट जो ग्रीन वाला है, ऊपर जाते हुए इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, नीचे आते हुए इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है. और यहाँ इस जगह पर आपका वाई कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो स्टूडेंट अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको ये बात बताई कि दरअसल आगे ले जाने वाली वेलोसिटी vx होती है और ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी क्या होती है, वी वाई होती है. और ये दोनों किससे बनी है, v से. अब ये फाइनल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, शुरू में होगा v नॉट, v नॉट x, v नॉट y अगर इनिशियल. तो स्टूडेंट आप गौर कीजिए, क्या अगर आपने बॉल को किक करा तो क्या ये बॉल इस बॉल ऊपर ही जाती रहेगी, नीचे नहीं आएगी? अगर स्टूडेंट ऊपर जाती रहेगी तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये वी वाई कभी भी खत्म नहीं हुआ. ठीक है, जैसे ही ये खत्म होता है, मतलब ऊपर जाते हुए वी वाई क्या हो रहा होता है, कम कम होते 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 एक वक्त ऐसा आता है फिर ये मजीद ऊपर जाना रुक जाता है. मतलब इस जगह पर वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, जीरो हो जाती है. अब ये ऊपर नहीं जाएगा. अब अगर ये जीरो नहीं हुई ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट, तो इसका मतलब ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा बस. जब ये जीरो होता है तो फिर ग्रेविटी इसको कहाँ खींचती है, नीचे. तो ये वाला जो कंपोनेंट है वी वाई किसकी वजह से होता है, फिर ग्रेविटी की वजह से, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है. स्टूडेंट एक और डायग्राम में इसी बात को हम समझते हैं जो नेक्स्ट है. और वो डायग्राम है हमारे पास कुछ इस तरह, जो कंपोनेंट मैंने अभी आपको समझाया है बिल्कुल वही है. अगर आप गौर करें, मतलब ये वी नॉट, वी नॉट एक्स, वी नॉट वाई, और आगे कहीं जाकर किसी दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी फिर वी नॉट नहीं रहती, ये इनिशियल थी, ये क्या हो गई फाइनल. इसके भी दो कंपोनेंट होंगे जो कहलाएंगे वी एक्स और वी वाई. और क्योंकि ऊपर जा रही है ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ही ऊपर जाना बंद हो जाएगा, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा जो वी एक्स है, क्योंकि आगे जाना ये नहीं रुकेगी, फिर कहाँ आएगी, नीचे आगे. ये स्टूडेंट वेलोसिटी है वी, अभी नीचे आ रही है और आगे जा रही है.
तो ये हमने दो कंपोनेंट समझे स्टूडेंट, ठीक है। इन कंपोनेंट में एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है और मुसलसल होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर जाते हुए कम होगा और कम होते होते कितना हो जाएगा, जीरो। फिर बॉडी या प्रोजेक्टाइल मजीद ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद जो आपका कंपोनेंट, आपकी जो प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो वो एक्स कंपोनेंट तो राइट पर ही होगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको लेक्चर में समझ में आया होगा, ठीक है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे।